हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 17 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चल, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च को। ये राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। देखिए, 8 मार्च को हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, और हमने 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भूरे कोयले से तरल या लिक्विड हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, फिर ये देश निर्यात करेंगे अलग अलग देशों में। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और देखिए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और देखिए, जापान के प्रधानमंत्री योशी हिडे सुगा है, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा है जापानी येन है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्या होता है? देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश होते हैं, इन सभी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है। मतलब यहाँ इस इन देशों में सूर्य का जो प्रकाश है सबसे ज़्यादा पड़ता है, और इसी सूर्य प्रकाश से देश सोलर ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब देखिए, चिनार क्या होता है? देखिए, चिनार ये पौधे होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक मात्रा में ये पौधे लगाए जा रहे हैं। अब बात हो रही है देखिए जम्मू कश्मीर की, तो देखिए जम्मू कश्मीर में डल झील है, पूलर झील है, दचगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और ये हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन अब लद्दाख में आता है, ठीक है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण पई का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर है चित्रकार की। लक्ष्मण पई को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा राशन ऐप। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है। इस योजना के तहत कोई भी मजदूर भारत में कहीं पर हो, वो उस राशन कार्ड से अपना राशन ले सकता है, और अभी तक 17 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच चल रहे हैं, T20 क्रिकेट में अभी तक 60 विकेट लिए हैं। इससे पहले बुमराह ने 59 विकेट लिए थे। और देखिए, T20 में हाल ही में विराट कोहली ने 3000 रन पूरे किए हैं, और हाल ही में मिताली राज ने 10000 रन पूरे किए हैं, जो कि विश्व की दूसरी और अपने भारत की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई हैं। अब देखिए, BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह हैं, और देखिए BCCI का मुख्यालय मुंबई में है, और देखिए BCCI की फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, और देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले इसका मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता था, अभी इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। देखिए, पहले NCC में ट्रांसजेंडर को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को भी NCC में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। केरल, बात हो रही केरल की, तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और देखिए केरल के राज्यपाल आर मोहम्मद खान है, और देखिए NCC की फुल फॉर्म होती है नेशनल
केडेट कोर, और देखिए केरल में ओणम मनाया जाता है, मकर बिल्कू त्यौहार मनाया जाता है, और केरल का राजकीय पशु हाथी है, और केरल के साथ ही केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु क्या है, हाथी है, और देखिए केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन विदेशी मुद्रा भंडारण पर में पहले नंबर पर है, और जापान दूसरे नंबर पर है, और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर है। देखिए पहले चौथे नंबर पर रूस था, तो अब लेकिन अब चौथे नंबर पर कौन आ गया है, भारत आ चुका है विदेशी मुद्रा भंडारण में। अब भारत विदेशी मुद्रा भंडारण में चौथे नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में हाल ही में ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ है, इसी के चलते इनको नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और देखिए राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में नंबर वन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। भारतीय गोल्फ का प्रचार प्रसार करने के लिए कपिल देव को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। और ये अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है जो कि 46वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो कि 49वें नंबर की हैं, और देखिए अमेरिका के जो रक्षा मंत्री होते हैं उनको डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है, कौन है, लॉयड ऑस्टिन है, और देखिए अमेरिका की विदेश मंत्री जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, कौन है, एंटोनी ब्लिंकन है। देखिए भारत और इंडिया के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, देखिए कोप इंडिया होता है, टाइगर होता है, और युद्ध अभ्यास होता है। देखिए हमने 17 मार्च के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।